अक्षरा सिंह एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर ही रही है। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह ने फिर कुछ ऐसा बोला कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि अक्षरा सिंह इस तरीके से क्या बोलना चाहती है। हर बार उनका अलग ही बयान होता है। जाने क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लाइक, बटन कमेंट को और दबाएं और शेयर चैनल को करना बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें भूलें। और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अक्षरा सिंह अभी कह रही है कि जब पवन सिंह की शादी होने वाली थी तो उन्हें 2 दिनों तक होटल में बंद करके रखा गया था। और फिर वो यह कहती है कि पवन सिंह उनके साथ शादी के बाद भी संबंध बनाना चाहते थे और उनका संबंध भी था। यह अक्षरा सिंह की ही बातें हैं और अक्षरा सिंह आए दिन कुछ ना कुछ बातें ऐसा बोलती है जो आप भी सुन के आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि एक लड़की ऐसी ऐसी बातें कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि शादी के करीब 1 महीना पहले अक्षरा सिंह लाइव आई थी और लाइव आकर उन्होंने कहा था कि पवन सिंह जी की शादी होने वाली है और उन्होंने पवन सिंह के सभी फैंस को खुशखबरी भी दी थी। तो फिर वो कहती है कि उन्हें होटल के रूम में बंद रखा गया था। फिर एक और बात सामने आती है कि अक्षरा सिंह ये भी कहती है कि उन्हें लगातार 7 फिल्मों से निकाला गया। ये तो बात सच है क्योंकि पवन सिंह के शादी के तुरंत बाद ही अक्षरा सिंह और पवन सिंह ने, मतलब 2 दिन के बाद ही इन दोनों ने एक साथ 7 फिल्में साइन की। अब किस कारण बस अक्षरा सिंह ने वो फिल्में नहीं की हमें नहीं पता है। क्या उन्हें निकाल दिया गया कि वो खुद ही नहीं करना चाहती? क्योंकि देखिए, कोई भी अपने मुंह से अपनी गलती थोड़े ना कहता है और एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यहाँ पे हम किसी की सपोर्ट नहीं करें, लेकिन एक बात तो हम बता दें कि अगर अक्षरा सिंह जानती थी कि पवन सिंह शादी के बाद भी वह उनसे संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ वह 7 फिल्में क्यों साइन की और उनके साथ इंटरव्यू भी दिया और 2-2 प्रोग्राम भी किया। आपने अगर देखा नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हैं, दिल्ली और कोलकाता के एयरपोर्ट पे उन्हें साथ भी देखा गया था शादी के ठीक 2 दिन बाद। लेकिन फिर अक्षरा सिंह ऐसे ऐसे बातें करती है, खुद के जाल में खुद ही फंसती जा रही है। तो भोजपुरी की ऐसी ही तमाम न्यूज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को पवन सिंह के फैंस के साथ शेयर करें।